हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th मैथ। बच्चे जैसे कि आपको पता, आपका मॉडर्न मैथ में से चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। इसमें बेटा मैंने आपको एक्सरसाइज 3D तक डन करवा दिए थे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3E शुरू करवाऊंगी। 3E जो एक्सरसाइज है, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल क्या है? एक से ज़्यादा एंगल्स जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल्स, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। इसमें हमने कुछ रेशियोज लर्न करनी है। जैसे ये देखो, ये दो फॉर्मूले हैं। कोस अगर ए प्लस बी, कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस के साथ अगर दो एंगल ऐड में हो ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अगर कोस ए माइनस बी हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला ये है कोस ए माइनस बी का, ठीक है। मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूले यहीं पे लिखवा देती हूँ, ठीक है। मतलब ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहले तो है कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये क्या है? कोस ए कोस बी प्लस, या जी हाँ, अगर यहाँ पे माइनस है कोस के था तो यहाँ पे प्लस आएगा, साइन ए साइन बी, ये मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अगर आपका कोस ए प्लस बी हो, ये वो फॉर्मूले हैं जो हमारे इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। मैं हो सकता है आज आपको इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मूले समझाऊँ। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये तो है कोस ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले। मेन मोटिव करता पता है क्या, ऑब्जेक्टिव पता है क्या, दिमाग में माइंड में रखने का। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। अगर साइन ए माइनस बी की बात करें तो साइन कभी साइन चेंज नहीं करता। साइन साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, अगर अंदर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा। और ना फिर मैं आपको एक बार चारों फॉर्मूले लिखवा दूँ, फिर मैं चारों की आपको ना एक स्पेशलिटी बताऊँगी। ये है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये है आपका सेकंड फॉर्मूला। अब चारों की इम्पोर्टेंस पता क्या है? अब ना एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो, कोस ए माइनस बी है तो कोस एक तरफ है और साइन एक तरफ है। जो कोस है ना वो कभी फंक्शन को मिक्स नहीं होने देता, हमेशा अपने आप को आगे रखेगा और साइन को पीछे धकेल देगा, ठीक है। जो साइन है वो थोड़ा कोऑपरेटिव है। ये साइन और ये ना उन बच्चों के लिए है, वैसे इसका प्रूफ होता है बाकायदा कि इनको प्रूफ आपको सिलेबस में है नहीं, वरना मैं तो आपको इसको प्रूफ भी करके दिखा देती कि ऐसे प्रूफ होते हैं ये फॉर्मूले, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है इसका, तो आप सिर्फ अपने लेवल का करो। तो साइन ए माइनस बी है, तो जो साइन है ना वो थोड़ा अच्छा बंदा होता है, ये ना चीज़ों को साथ लेके चलता है। ये देखो, जितना अपने आप को लेगा उतना ही कोस को लेके चलेगा, लेकिन कोस थोड़ा सेल्फिश है, वो अपने आप को साथ आगे लेके चलता है। जैसे कोस है कोस बी, यहाँ पे भी देखो कोस, और काम उसके उल्टे होते हैं कोस के। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस। लेकिन साइन एक सीधा साधा पर्सन है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही डालेगा, और साइन कोऑपरेटिव पर्सन है, इसलिए जितना चीज़ आप लेगा उतनी कोस को देगा। साइन ए कोस बी और साइन ए प्लस बी है तो बीच में प्लस डालेगा, साइन ए कोस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। मगर कुछ ना इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले हैं। उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला करवाती हूँ टेन ए प्लस बी का, ठीक है। किसका फॉर्मूला? टेन ए प्लस बी का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। उसके बाद ये आ जाएगा टेन ए प्लस बी, ठीक है, टेन ए प्लस बी। अब देखो बच्चे, अब आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है ए माइनस बी का। ये बेटा है फॉर्मूला क्या आपका? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। बस आपने चीज़ों को ना थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर फॉर्मूले के बीच में प्लस है तो बेटा यहाँ पे प्लस पड़ेगा और नीचे माइनस। अगर फॉर्मूले के बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस पड़ेगा और नीचे क्या पड़ेगा? आपका प्लस पड़ेगा, ठीक है। मतलब बड़ी चीज़ें सिंपल सी हैं और समझने वाली है बेटा आपकी। और इसके ना दो सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलास, टेन 45 डिग्री प्लस ए। अगर टेन 45 डिग्री प्लस ए है तो इसका फॉर्मूला है वन प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए, ठीक है। ये वो फॉर्मूला है जो आपके इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं।
और टेन 45 डिग्री माइनस ए का फॉर्मूला है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। मतलब अगर आपने इन फॉर्मूले ज़रा सी गलती करी तो आपका फॉर्मूला गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 45 डिग्री प्लस ए है, अगर आपने उल्टा कर दिया ना साइन को, तो ये फॉर्मूला ही चेंज हो जाना है आपका। समझ में ही बात, मतलब सारी जो डिपेंडेंसी आपके फॉर्मूले के ऊपर है। फिर है आपका साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, अगर ये चीज़ है तो ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये देखो इसके कितने सारे फॉर्मूले हैं ना लर्न करने वाले, तो कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, ये क्या है आपका भाई कोस स्क्वेयर ए माइनस को साइन स्क्वेयर बी, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ये सभी के प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, प्रूफ ऐसा नहीं है कि मॉडर्न की बुक में करेंगे, मॉडर्न की बुक में सारे प्रूफ करे गए हैं लेकिन आपको नहीं है। ये देखो सब कुछ प्रूफ करा गया है कि कैसे कौन सा फॉर्मूला बनता है, सारा कुछ एवरीथिंग इज प्रूव्ड, ठीक है ना। ये देखो सारा समझाया गया है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है, और वो खुलने के बाद कैसा दिखेगा, सारा कुछ करके दिया गया, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले बता रही थी। तो ठीक है, फॉर्मूले आज की आपके वीडियो में फॉर्मूले काफ़ी हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ना इसकी एक्सरसाइज का सामने करवा दूँगी। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।